मदरसा डिस्कोर्सिस का हमारा बेसिकली हमारा जो बहसियत तालिब इल्म इससे मुंसलिक होने का दुरानिया था वो तो 3 साल था, लेकिन मुख्तलिफ वर्कशॉप्स बाद में भी जारी रहीं, तो जो 5 साल इसका एक्सपीरियंस है उसके मुतालिक बहुत सी बातें हैं जो जहन में हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 नुकात ऐसे हैं जिनको हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो मदरसा डिस्कोर्सिस में जो असातिज़ा थे उनका जो अंदाज़े तालीम था वो अंदाज़े तालीम बहुत ही अहम था, यानी उन्होंने अपनी कोई चीज़ कोई ख़ास अप्रोच और कोई ख़ास नतीजा ये तलबा पर इम्पोज़ नहीं किया, बल्कि तलबा के लिए मुकम्मल तौर पे उन्होंने स्पेस छोड़ी कि आप चीज़ों को ख़ुद समझें, ख़ुद देखें, जिस नतीजे पर आप पहुँचें वही नतीजा आपके लिए अहम है। तो मजमूई तौर पे जो असातिज़ा का अंदाज़े तरबियत था वो इस हवाले से भी बहुत अहम रहा, और दूसरा तलबा को और स्टूडेंट्स को इनक्रेज करने के हवाले से वो भी बहुत अहम रहा। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता था, ख़ास तौर पे हमने जो हमारा पहला बैच था उसमें हमने इब्राहिम मूसा साहब से कुछ चीज़ें पढ़ी, उनसे हम लोगों का ताल्लुक़ कुछ बनिस्बत दूसरों के ज़्यादा रहा, तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता था उस्ताद जी अम्मार साहब, इसी तरह इब्राहिम मूसा साहब महान साहब, तो उनसे जो ताल्लुक़ होता था या वो जिस अंदाज से तलबा को उभारते थे इल्मी तहकीक के लिए, फ़िक्री तहकीक के लिए, उसे ऐसा फ़ील होता था कि ज़बान हाल से हम कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते या हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, लेकिन वो लोग कहते थे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है। यानी इस अंदाज से उन्होंने हम लोगों को इनक्रेज किया, उस्ताद जी अमार साहब ने भी, इब्राहिम मूसा साहब ने भी, और हमारे जो दीगर असातिज़ा उन्होंने भी। ये तो असातिज़ा की तरबियत के हवाले से और उनके अंदाज़े तालीम के हवाले से, तदरीस के हवाले से बात थी। बाकी जहाँ तक मदरसा डिस्कोर्सिस का प्रोजेक्ट है, उसमें जो सबसे अहम नुक्ता था वो नुक्ता ऐसा था कि इसके अंदर कोर्स के अंदर हर चीज़ मुतहर्रिक हमें नज़र आई, यानी हर चीज़ हर पहलू से ज़िंदा और मुतहर्रिक नज़र आई। सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी थी जो ऐसा लगता था कि जामिद है, लेकिन वो भी बाकी चीज़ों को हरकत देने के लिए एक स्टैंड लिया गया था, और वो स्टैंड तकसीरियत का मेरे ख़्याल से था, तनवो का जो स्टैंड असातिज़ा ने लिया, तनवो का स्टैंड लिया कि उस स्टैंड के ज़रिए से बाकी सारी चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं वो हरकत में रहें, तो एक बहुत ही एक ताकि ज़िंदा और मुतहरिक फ़िक्र तमाम तलबा की अपनी अपनी हैसियत से वो वजूद में आए। बाकी मदरसे का जो एक्सपीरियंस था उसके बाद जो मदरसा डिस्कोर्सिस का एक्सपीरियंस था उसके अंदर बुनियादी फ़र्क भी मेरे ख्याल से यही है, वहाँ तनव्वो मुझे ज़ाती तौर पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर जब एब्सोल्यूट ट्रुथ्स हर चीज़ होती है, मुतलक हक है, सच है, सदाकत है, उस पर स्टैंड लेना है, तो वहाँ तनव्वो का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। बाकी मदरसे से निकलने के बाद जो मेरे ज़ाती तौर पर नफ्सियाती फ़िक्री और अमली मसाइल थे जिनकी वजह से मैं इब्तिदा में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के अंदर जिस्मानी तौर पे और डिप्रेशन के अंदर भी चला गया था, उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया, तो उन मसाइल को हल करने में मदरसा डिस्कोर्सिस ने बहुत अहम किरदार अदा किया। वो मसाइल ऐसे थे कि या तो उनकी वजह से मैं समाजी दबाव में रहकर अपनी जो एक लाइन मदरसे ने दी थी उस लाइन को कंटिन्यू करता, या उससे बिल्कुल बागी होकर बिल्कुल बगावत करके रिवायत परस्ती तो यक तरफ, हो सकता है मज़हबी को अलग कर देता।
मैं कल्बी तौर पे मदरसे से निकलने के बाद मोमिन हो गया था, अगरचे ज़ाती हुलिया वही मदरसे वाला ही था। तो मदरसा डिस्कोर्सिस में आने के बाद जो एक यू टर्न आया कि पहले मदरसे से निकलने के बाद चूँकि मसाइल आए, फ़िक्री, नफ्सियाती और अमली मसाइल, उनकी वजह से तनफ़ुर, एक रिवायत से तनफ़ुर मिजाज के अंदर पैदा हुआ। लेकिन मदरसा डिस्कोर्सिस में आने के बाद असातिज़ा ही ने हमें बताया, हम लोग ये समझ रहे थे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है मदरसे में वो बिल्कुल फजूल है, उसका जो अमली दुनिया है उससे कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मदरसा डिस्कोर्सिस में आने के बाद ये बावर हुआ और असातिज़ा ने इसका इदराक पैदा करने की कोशिश की कि नहीं, आप लोगों ने जो पढ़ा वो फजूल नहीं है, वो बहुत अहम है, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है, रिवायत से कैसे जुड़ना है, रिवायत से आपका ताल्लुक़ क्या होगा। अगेन इसके अंदर उन्होंने फिर कोई चीज़ इम्पोज़ नहीं की, लेकिन ये बता दिया कि आप वैक्यूम के अंदर खड़े नहीं हो सकते, ट्रेडिशन से आपको जुड़ना है। वो जुड़ने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, वो रिवायत पसंदाना है, रिवायत परस्ताना अंदाज़ है, या आपने अपने अंदाज़ से कोई अलग अप्रोच इख्तियार करनी है। तो ये दो तीन नुकात थे जो मैं समझता था कि शेयर करना अहम है। जजाकअल्लाह।